हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है फिर से आपको एक और नए वीडियो में। तो मैं हूँ अभी बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक बेंगलुरु में। अरे ये कब हुआ? बेंगलुरु कब पहुँच गया मैं यार? तो स्वागत है फिर से आपको एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहा है यहाँ से डिब्रूगढ़ से। वो अभी बज रहा है 1:15। तो यहाँ से हम लोग 2 बजे को ट्रेन है हम लोग का डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी तक। उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या होता है। A few moments later. हम लोग पहुंच गए अभी गुवाहाटी। ये गुवाहाटी है, बहुत बड़ा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। यहाँ से बहुत बड़ा स्टेशन है, काफ़ी बड़ा। मेरा तो दिमाग थोड़ा घूम रहा है, इतना बड़ा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं ऊपर से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बहुत बड़ा स्टेशन है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 है। मैं वहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। आज रात पूरा सोने भी नहीं मिला मुझे। तो मेरा आँख पूरा लाल लाल हो गया। ठीक है ना, ये रेलवे स्टेशन। A few moments later. तो गाइस अभी हो रहा है सुबह, सुबह हो गया यहाँ पे। और अभी हम लोग फिलहाल है खमक्या जंक्शन। तो यहाँ से हम लोग को बेंगलोर का ट्रेन मिल जाएगा डायरेक्ट। तो आगे देखते हैं। शायद ये वेस्ट बंगाल में होगा, लेकिन बहुत गर्म है यहाँ पे। इतना गर्म है, हम लोग वो ट्रेन से निकाल के बाहर में आए तो हवा थोड़ा खा, फ्रेश हवा खा रहा है अभी। तो बहुत ही गर्म है यार, क्या बताऊँ। सुबह सुबह इतना गर्म है, और अगर दोपहर 12-1 बजे में कितना गर्म होगा। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कितना सुंदर है ये बेंगलुरु। यहाँ के हवा मिलता है और यहाँ पे काफ़ी क्राउड है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मुझे देख सकते आए हैं, देखते हैं बेंगलुरु को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही सुंदर सिटी है, कहते हैं इंडिया का गार्डन सिटी है बेंगलुरु। तो बहुत ही मजा है, और यहाँ का वेदर भी काफ़ी अलग है, मतलब गर्म भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है। ये था आज का ब्लॉग। तो अगर ब्लॉग को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो मैं बस अभी वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो बीच में मैंने वीडियो जो है नहीं कर पाया था, क्योंकि जब भी मैं लॉन्ग ट्रैवल करता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ, तो मेरा जो पता नहीं क्या हो जाते हैं, चक्कर सा, नर्वस सा हो जाता हूँ। तो इसकी वजह से मैं बीच बीच में वीडियो नहीं बनाया था। तो मैंने ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किया है,
अरुणाचल टू डिब्रुगढ़ आना पड़ा मुझे बस से, बस से उसके बाद ट्रेन डिब्रुगढ़ से ट्रेन में आना पड़ा गुवाहाटी तक, गुवाहाटी से हमें और ट्रेन चेंज करना पड़ा खामाख्या स्टेशन तक, फिर वहाँ से आना पड़ा डायरेक्ट बेंगलोर तक। तो अभी हम लोग बेंगलोर में हैं, जस्ट अभी वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। तो ये था आज का ब्लॉग, इतना ही। तो मिलते हैं फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। यहाँ पे मैं बेंगलुरु को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, बहुत ही सुंदर सुंदर जगह दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे वीडियो में बने रहना जरूर। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, सी यू द नेक्स्ट वन।